नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन पंक्ति में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर की हलवा की रेसिपी। गाजर तो सभी खाना पसंद करते हैं, कई तरीके से बनती है, लेकिन आज मैं बहुत ही सिंपल तरीका लेके आई हूँ जिससे कि आप आसानी से बना सकें। घर में जो सामान अवेलेबल होती है हमेशा, बस वही चीज़ों से बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम गाजर ले लिए हैं। इसे अब हम लोग छीलेंगे। मैंने धोकर इसे साफ़ कर लिया है। इस तरह आप इसका ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दोनों काट लें और उसके बाद इसे इस तरह एक छिलनी से हम लोग छील लेंगे। आप गाजर को छीलकर ही इस्तेमाल करें, धोकर कद्दूकस ना करें। इस तरह छील लेंगे। मैंने इसे छील लिया है। इसी तरह आप सारे गाजर को छील लें। अब छिले हुए गाजर को हम लोग कद्दूकस करेंगे। आप इस तरह का ग्रेटर ले लें, आपके पास जो भी ग्रेटर हो, और ये जो मोटा वाला साइड है उसी से हम लोग इसे कद्दूकस करेंगे। पतला वाला से ना करें, इससे समय भी ज़्यादा लगता है और कद्दूकस करने में भी तकलीफ़ होती है। अब इस तरह इसे पकड़ कर कद्दूकस करेंगे। मैंने सारे गाजर को घिस लिया है। चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। मैंने गैस पे घी गर्म होने के लिए रख लिया है। ये 3 बड़ा चम्मच घी है। आप गाजर का हलवा घी में ही बनाएं, तेल से ना बनाएं। अब इसमें अपना घिसा हुआ गाजर डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम में रहेगा। अब इसे चला लेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसे हमें 20 से 25 मिनट पका लेना है। आप हर 2 मिनट में इसे चलाएं, वरना ये हमारी नीचे जल जाएगी। इस तरह मोटे तल्ले वाला कढ़ाई आप इस्तेमाल करें, इससे हमारी गाजर नीचे नहीं चिपकेगी। और हर 2 मिनट में इसे हम लोग चलाएंगे। बीच बीच में इसे चलाना बहुत ज़रूरी है। आप हर 2 मिनट में इसे चलाएं और गैस का फ्लेम मीडियम में रखें। 20 मिनट पकाने के बाद ये देखिए हमारी गाजर अपनी क्वांटिटी से आधा हो गई है। ये अच्छे से पक गई है। हर 2 मिनट में मैंने इसे चलाया है। अब इसमें हम लोग दूध डालेंगे। मैंने आधा किलो गाजर, 500 ग्राम गाजर के लिए ये 300 ml दूध लिया है। इस गिलास में 1 गिलास इसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसे मीडियम फ्लेम में ही तब तक पकाएंगे जब तक दूध हमारा सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए। गाजर की हलवा कई तरीके से बनती है। कई लोग इसमें मिल्कमेट मावा डाल के भी बनाते हैं, लेकिन हमेशा हमारे घरों में हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए मैं आज ऐसे चीज़ों से बनाना बता रही हूँ जो कि हमेशा हमारे घरों में अवेलेबल होती है। इसमें शक्कर अभी हम लोग नहीं डालेंगे। इसी तरह दूध ड्राई होने तक इसे बीच बीच में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। दूध हमारा पूरी तरह सूख गया है, देखिए। अब इसमें हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। मैंने ये कुछ किशमिश लिए हैं, 8 से 10। थोड़े से बादाम जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। ये छोटी इलायची जिसे कि कूट लिया है, अगर आप इसका छिलका निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। और 8 से 10 काजू जिसे कि टुकड़ों में काट लिया है, इसे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमारा मीडियम में ही रहेगा। साथ ही इसमें हम लोग शक्कर डालेंगे। ये मैंने 500 ग्राम गाजर के लिए 100 ग्राम शक्कर लिया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख लें। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। और 10 मिनट के बाद हमारी गाजर की हलवा बनके तैयार है। आप इसे धैर्य के साथ ही बनाएं। गाजर का हलवा हमारा बनने में समय लेता है। ये 45 से 50 मिनट के करीब टाइम इसमें लगता है। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मेरी गाजर की हलवा बनके तैयार है। मैंने इसमें थोड़ा और ड्राई फ्रूट डाल लिया है ताकि ये सुंदर दिखे। आप गाजर के हलवा में जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं डाल सकते हैं। आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपने फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।